नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबको का स्वागत है सिलेक्शन मेंटर पे। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आप लोगों को देने के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। जितने लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ है और ये एक तरीके से मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए कि आप इसको ध्यान में रख करके अपनी तैयारी करते हैं तो अन्य लोगों से भीड़ चाल जो चल रहे हैं लोग उनसे अलग हो सकते हैं। क्योंकि जब भीड़ चाल का मतलब यहाँ पर ये है कि लोग जब वैकेंसीज आती हैं तब प्रिपरेशन करते हैं, तब प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, जब फॉर्म आते हैं तो फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता। यहाँ पर वेल बिफोर टाइम आपको वैकेंसीज़ के बारे में पता चल रहा है, तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। देखिए, आजकल जो सेशन चल रहे हैं पार्लियामेंट्री सेशन, उसमें क्वेश्चन आंसर का दौर चल रहा है, तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक आया है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ से एक इस डिपार्टमेंट की तरफ से एक PDF जो है इशू होता है, एक नोटिस इशू होता है जो कि अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1713 के अगेंस्ट आंसर करता है राज्यसभा में। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है श्री सुशील कुमार गुप्ता जी की तरफ से। यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया है और वो क्वेश्चन ये है, ये देखिए क्वेश्चन किया गया है और आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन किया गया, विल द प्राइम मिनिस्टर बी प्लीज टू स्टेट वेदर इट इज अ फैक्ट देयर आर लैक्स ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स पोस्ट लिंग वैकेंट, गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन एनी स्टेप फिल अप दीज वैकेंसीज और पोस्ट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या लाखों वैकेंसीज सच में पेंडिंग है और जिसके अगेंस्ट अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कदम नहीं उठाया है, इसका जवाब दीजिए। इसके अलावा क्वेश्चन किया गया है द डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट लिंग वैकेंट एंड द रीज़न फॉर नॉट फिलिंग अप दीज सेंक्शन पोस्ट कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि डिटेल्स पूछा गया है नंबर ऑफ पोस्ट के लिए, कितनी वैकेंसीज खाली हैं और रीज़न पूछा गया है कि क्यों ये अभी तक नहीं फिल हुआ है, ये भी एक क्वेश्चन है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर सी में देख रहे हैं आप, द डिटेल्स ऑफ द पोस्ट अबॉलिस्ट द लास्ट 10 ईयर वाइज 10 ईयर्स ईयर वाइज एंड इट्स रीज़न देयर ऑफ। और सबसे लास्ट क्वेश्चन डी में लिखा है द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू फिल अप वैकेंट पोस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज इन टाइम टू इन अ टाइम बाउंड मैनर फॉर वेरियस कैटेगरीज। सो दोस्तों, ये चार प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका आंसर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर इज हियर, ये प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा गया तो मिनिस्ट्री ऑफ कह सकते हैं PMO ऑफिस की तरफ से यहाँ पर ये आंसर दिया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और आंसर क्वेश्चन नंबर ए और बी के लिए देखिए जो दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर वैकेंसी पर गौर करिए, आप जो यहाँ पर वैकेंसी ली हुई है जरा इस पर गौर करिए, ये इस पर गौर करिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे 6,83,000, मतलब नियर अबाउट 7 लाख वैकेंसीज, लगभग यहाँ पे 7 लाख वैकेंसीज जो हैं वो बता रहे हैं कि अभी पोस्ट वैकेंट हैं। सेंक्शन और एम्प्लॉय पोजीशंस तो हैं ही हैं, ये तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप एज पर 1/3/2018 6,83,000 पोस्ट आर वैकेंट जिनको अभी भरना है। और इनकी जो डिटेल है वो एनेक्चर वन, यहाँ पर देखिए सबसे नीचे एनेक्चर वन है, तो इसको तो थोड़ा सा ये तिरछा हो गया है, तो आप इसको आराम से पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जगहों पर कितनी कितनी वैकेंसीज पेंडिंग हैं इनके बारे में यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए ये एनेक्चर जो है, मैं धीरे धीरे इसको पॉज कर रहा हूँ, आप आराम से पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं कि किसमें कितनी 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 पोस्ट हैं जो वैकेंट है। मैं इसका PDF भी जो है अभी इसी में प्रोवाइड करा दूंगा आपको, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट खाली है। फिलहाल चलते हैं अगले, हाँ आगे देखते हैं क्या है। देखिए, कैटेगरी वाइज डिटेल ऑफ द सेंक्शन पोस्ट, ये इसमें मैंने आपको दिखा दिया कि इसमें दी हुई है, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ में, ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 थ्री रिक्रूटिंग एजेंसीज नेमली UPSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैव मेड रिकमेंडेशंस फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। तो अब देखिए 19-20 में तीन बड़ी वैकेंसीज हैं, एक UPSC की तरफ से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन NSSC की तरफ से और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। तो देखिए ये UPSC की 4,399, SSC 13,000, RRB 1,16,000 एंड टोटल इज 1,34,000 ये वैकेंसीज जो हैं वो हैं। फर्दर आगे जो रिक्रूटमेंट चलेगा जरा वो भी देखिए, इसके बारे में भी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्दर क्या लिखा है, फर्दर रिक्रूटमेंट एजेंसीज लाइक SSC, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, पोस्टल सर्विस बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन प्रोसेस फिलिंग अप 3,10,832
वैकेंट पोस्ट इंक्लूडिंग 27,652 वैकेंट पोस्ट ऑफ डिफेंस सिविलियंस। तो आप देखिए ये इतनी सारी पोस्ट, लगभग 3,10,000 के आसपास पोस्ट जो है ये भी जो है फिलिंग के लिए हैं, मतलब बाकी हैं अभी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है मतलब वैकेंसीज़ का यहाँ पर आपके पास में SSC के थ्रू, खासकर जितने SSC के एस्पेरेंट्स हैं और जो रेलवे के एस्पेरेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको सिलेक्शन मेंटर की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि हम लोग प्रेजेंट टाइम में NTPC का बैच चला रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस सेट उसमें पढ़ रहे हैं, उसमें आप प्रैक्टिस करिए और मेहनत करिए और जो है इसमें तैयारी करते करना शुरू करिए, ठीक है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वैकेंसीज़ हैं ये मुझे पूरी उम्मीद है कि 2020 में इनको फिल किया जाएगा, 2020 में इनको फिल किया जाएगा। तो आप कब कौन सी वैकेंसी निकल रही है ये चिंता छोड़े बगैर, ये सब कॉमन ही है वैकेंसी हैं, सब में रीजनिंग इंग्लिश है ना, रीजनिंग इंग्लिश GA GS पूछा जाता है। तो आप तैयारी में जुट जाइए दोस्तों, 7 लाख वैकेंसीज जो हैं आपका वेट कर रही हैं, जिसका जवाब जो है राज्यसभा में दिया गया है। 7 लाख वैकेंसीज जो है वो वेट कर रही हैं। और रेलवे के लिए भी अभी पीयूष गोयल जी से क्वेश्चन किया गया था 2 दिन पहले, तो उन्होंने भी जवाब दिया है कि 2 महीने 3 महीने में टेंडर क्लियर हो जाएगा और उसके बाद जो है रेलवे का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो अपकमिंग है। सो बने रहिए हमारे साथ, कोई भी अपडेट आता है, किसी प्रकार का अपडेट आता है, हम आपको ज़रूर यहाँ पर इससे संबंधित कोई भी अपडेट्स होंगे तो आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू।